नाज़रीन, सनीसवी के लोग यमन और उमान के दरमियान पहाड़ों में रहते थे। वो बड़े मीनारों के साथ ऊंची इमारतें बनाने में जिस्मानी तौर पर ताकतवर और दौलतमंद थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी मकरूर थे। उनका एक ज़ालिम हुक्मरान था जिसके खिलाफ किसी ने आवाज़ ना उठाई। ये लोग अल्लाह ताला पर तो यकीन रखते थे, मगर वो दूसरे खुदाओं की भी पूजा किया करते, और ये एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी मुआफ़ नहीं करता। उन लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम काफ़ी ताकतवर और साबिर इंसान थे। आप अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बाद तीसरी या चौथी नस्ल में से थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि वो पत्थर के बुतों की पूजा ना करें जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने के लिए बुलाया, मगर लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए। इन्होंने दौलत की पेशकश की, मगर आपने कहा कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस कि आप लोग सच की पैरवी करें। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि कैसे तुमको अल्लाह ताला ने एक ही जान से पैदा किया और हिम्मत और ताकत अता की हुई है। इस तरह वो और भी फख्र करने लगे और कहने लगे कि ऐ हूद, क्या तुम्हें पहले ही बता दिया गया था कि हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और फिर हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का क़यामत के दिन वाला एतबार ना किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार के लोगों ने कहा कि क्या ये अजीब बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर जाहिर करने के लिए हम में से किसी एक को चुना? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अजीब क्यों, अल्लाह ने मुझे तुम्हें आगाह करने के लिए भेजा है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग और मकरूर होते गए और इनके बुरे तौर तरीके बढ़ने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो आपकी पैरवी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उन पर अज़ाब भेज देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे खुदा हमारी हिफाजत करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग जिन बुतों को पूजा करते हो तुम्हारी तबाही का बायस वही बनेंगे। कई साल गुजर गए और वक़्त के साथ साथ वो और मकरूर होते गए और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पागल होने का इल्ज़ाम देने लगे। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह ताला की सज़ा के बारे में आगाह किया। कुछ अरसे बाद सज़ा के तौर पर ज़मीन पर खुशकसाली फैल गई, जहाँ ज़मीन के लिए कोई बारिश न थी। ज़मीन की तपिश बढ़ गई, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लोगों के सरों पर आग जल रही हो। लोगों ने आपसे पूछा ये खुशकसाली कैसे, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पर गुस्सा है, अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ तो अल्लाह ताला तुम पर बारिश बरसाएंगे। उन्होंने फिर भी आपका मजाक उड़ाया। खुशकसाली मजीद बढ़ गई, दरख्त पीले पड़ गए और पत्ते मुरझा गए। एक दिन इन्होंने बादलों को आते देखा। बादलों के साथ इतनी तेज़ हवा कि ये खुश हुए कि ये इन पर बारिश बरसाएंगे। हवा जिसने हर चीज़ को हिला कर रख दिया, दरख्त पौधे झोपड़ियाँ मर्द औरतें सबको हवा ने हिला दिया। दिन ब दिन हवा बढ़ती गई। लोगों ने घरों में छुपने की कोशिशें की, मगर सब कुछ हवा उड़ा ले गई। उन्होंने कपड़े के गिलाफों में छुपने की कोशिश की, मगर हवा वो भी उड़ा ले गई और इनकी जल्द को फाड़ दिया। 8 दिन और 7 रातों तक हवा ना रुकी और चलती रही, और ज़ालिम हवा ना रुकी जब तक कि तमाम कबीला खंडरात में तब्दील ना हो गया और बदकार लोग तबाह ना हो गए। सिर्फ वही सज़ा से महफूज रहे जो आपकी पैरवी करते थे।